हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे, हमारे पीछे आप देख ही रहे होंगे एलजी की रेफ्रिजरेटर है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके फ्रिज की खूबियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करेंगे इसके प्रिंट के बारे में। आप ये प्रिंट देख सकते हैं, कितना खूबसूरत प्रिंट आया है। ये एलजी की रेफ्रिजरेटर है, प्रिंट इसका बहुत शानदार आया है, बड़े बड़े लीफ हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें बात करेंगे, ये आपकी 4 स्टार रेटिंग की है, 4 स्टार रेटिंग की फ्रिज है। 224 लीटर है। वैसे बेसिकली गाइस पहले वैसे ये फ्रिज थी 235 लीटर की, बट इसमें क्या हो रहा है ना, जितने भी फ्रिजें आ रही हैं 2023 में, तो इसमें सब QR सिस्टम लग गए हैं। QR सिस्टम में क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ी खाली टोटल वॉल्यूम आपको दिखा रहा है। पहले इसमें ग्रॉस वॉल्यूम स्टोरेज वॉल्यूम दोनों दिखाता था, बट अब इसमें टोटल वॉल्यूम इसका 224 लीटर दिखा रहा है। और 153 यूनिट पर ईयर आपका ये कंजम्पशन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज़ करेगा। 10 ईयर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेशर के बारे में है, इन्वर्टर कंप्रेशर है, 90 वोल्ट से आपकी फ्रिज काम करेगी। इसमें आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस अगर आपका बार बार फ्लैक्चुएट अगर आपका हो रहा है वोल्टेज, तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। दूसरी बात गाइस इसमें बात करेंगे, इसमें सबसे पहली बात देखिए आप इसको, इसमें लंबा हैंडल आपको मिल जा रहा है। लंबे हैंडल के साथ आपको आराम से इसमें फ्रिज की हाइट भी काफ़ी, लगभग आपके 5 फीट के आसपास की हाइट है इसमें। आपको सबसे अच्छी बात है इसमें ये है ना, कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं कि भैया डबल डोर में आपको स्पेस कम मिलता है, तो इसमें आपको स्पेस, जैसे आप इसमें स्पेस देख सकते हैं, इसमें आपको लंबे लंबे इसमें आपको ट्रे मिल जा रहे हैं, 1, 2, 3 इसमें पार्ट इसमें आपको मिल जा रहे हैं। वेजिटेबल्स के लिए आपको इसमें आराम से मिल जाएगा, आप आराम से इसमें वेजिटेबल्स आप इसमें आराम से रख सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसमें आपको आराम से लॉन्ग लास्टिंग आपको इसमें फ्रेशनेस आप रहेंगे। और दूसरी बात, ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर भी बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा रेफ्रिजरेटर है कि जिसमें आराम से आप इसमें आइस वगैरह इसमें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा आपको नीचे इसमें फ्रीज जोन दिया है, इसमें आप आराम से मेडिकल्स वगैरह, दवाई वगैरह के लिए, चॉकलेट्स वगैरह के लिए या बटर वगैरह के लिए आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये गाइस, हाइट भी इसकी अच्छी है, एलजी कंपनी की भी है और ब्रांड भी बहुत बहुत पुरानी ब्रांड है। और स्पेस के मामले में आप इसमें स्पेस देख सकते हैं, इस दरवाजे पे आप बड़े बड़े आपको 2 लीटर के लिए आपको इसमें स्पेस मिल जाएंगे, अच्छा खासा आपका इसमें सामान आपका रख सकते हैं इसमें, और वाटर बॉटल सिप्स में आप रख सकते हैं। और इस पे और प्राइस की जहाँ तक बात करेंगे गाइस, प्राइस इसमें आपको ये आपको अंडर आपको 23,000 के अंडर आपको ये मिल जाएगी, 23,000 के अंदर आपको सबसे बेटर रेफ्रिजरेटर है, एलजी की रेफ्रिजरेटर है। प्रिंट इसका आप देख ही सकते हैं, 4 स्टार रेटिंग की है। जिस किसी को जैसे अब डबल डोर और सिंगल डोर में दोनों में प्राइस के डिफरेंस में बात करेंगे तो है तो वैसे इसका रेट डबल डोर के बराबर ही, बट स्पेस की जहाँ तक बात करेंगे तो डबल डोर से अच्छी स्पेस आपको इसमें मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, डबल डोर में क्या होता है, स्पेस डिवाइड हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने वीडियो डबल डोर पर बनाया हुआ है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसमें दोनों में क्या डिफरेंस बताया है। सिंगल डोर में सबसे बेस्ट बात यही रहती है कि इसमें आप आराम से इसमें आपको खुली स्पेस आपको इसमें मिल जा रही है, आराम से इसमें आप सामान रख सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिज के साथ, कुछ नए फ्रेंच डोर डबल डोर फ्रिज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।